ये इस तरीके की पूरे हिंदुस्तान में ये पहली घटना है। रात्रा उठा भी ले गया आतंकवादी बनाकर मुड़ा काला करे हासर में। दुखद है, दोनों बच्चियों को वहाँ से नहर में फेंका गया था। नर्मदा मुख्य कैनाल में दो लड़कियों के संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैली हुई और लोग तमाम मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरे दिन की वार्ता विफल रहते हुए अल शाम को भी लोग यहां धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब इनसे जानेंगे मामला क्या है। सर, पूरा क्या मामला था? अभी तक मांगे नहीं मानी गई है और दो लड़कियों की संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने के बाद की जो घटना है, क्या है? देखिए साहब, ये बड़ा जघन्य अपराध हुआ है। अपराधी पुलिस की हिरासत में है। ये बड़ी खुशी की बात है कि वो अपराधी पुलिस की हिरासत में है, लेकिन अभी उनको अरेस्ट नहीं किया गया है। उनको सिर्फ इंट्रोगेशन के लिए रखा गया है। दोनों बच्चियों के साथ पहले रेप किया गया, नाबालिग बच्चियां हैं, घर से उनको अगवा किया गया, फिर उनके साथ रेप हुआ और रेप होने के बाद आज उनकी डेड बॉडियां मिली है दोनों की। ये बड़ा जघन्य अपराध है। सरकार से मांग है कि इस परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए और परिवार में दो लोगों को नौकरी दी जाए, ताकि ये परिवार, वो बच्चियां पढ़ रही थी, एक बच्ची 12th में पढ़ रही थी, एक 9th में पढ़ रही थी, हो सकता है आगे भविष्य में वो जाके नौकरी करती और कुछ बनती है, अफसर बनती। इस तरीके की घटनाएं पूरे समाज में एक डर पैदा कर, अगर उस भय को मिटाना चाहती है सरकार, तो सरकार से निवेदन है कि इस तरीके की घटनाओं को रोका जावे और जो मुलजिम है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जावे और इस परिवार के साथ न्याय किया जाए। सर, जो ऐसी घटनाएं होती है, नाबालिग बच्चियां हैं और जो खेत के नजदीक जो काम करते जल जीवन मिशन योजना के नाम पे, और जब वो ऐसे कार्मिक जो टेंडर के रूप में कार्य करते हैं और वो किसी घर से बच्चियों को लेकर भाग जाना या अपहरण कर लेना, बहुत दुखद होता है। बहुत दुखद घटना है ये। इस तरीके की पूरे हिंदुस्तान में ये पहली घटना है और ये बड़े संदिग्ध। अभी अभी जितने लोग जो मौजूद हैं, सुबह से जो लोगों का आने का ताता है, मुझे भी पता लगा कि इस तरीके की घटना है। मैं पोस्टमार्टम के अंदर रहा, मैं इसीलिए रहा एज ए डॉक्टर, ताकि उस रिपोर्टों में कहीं उलट फेर ना हो। कई बार ऐसा होता है, राजनीतिक प्रेशर भी होता है, सामाजिक प्रेशर भी होता है, उसमें उन रिपोर्टों को बदलने की गुंजाइश रहती है। तो अब कम से कम मुझे ये तसल्ली है कि वो रिपोर्टें नहीं बदली जावे और उनको बंद करके बंद लिफाफे में कर दिया गया है। सर, आप पोस्टमार्टम बोर्ड के अंदर भी थे और ऐसा सुनने में आ रहा है कि उन दो लड़कियों के जेब से सुसाइड नोट भी मिले। देखिए साहब, उस सुसाइड नोट के बारे में अभी मैं इसलिए नहीं बोलूंगा कि ये पुलिस की जाँच का सवाल है। पुलिस पे मैं ज्यादा अगर कुछ बोलूंगा तो पुलिस भी मेरे से सवाल करेगी। वास्तविकता ये होती है कि नियम ये कहता है जहाँ भी कोई डेड बॉडी मिले, मैं ये आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, उस डेड बॉडी को पुलिस जब बरामद करती है तो उसके बाद उसको बंद करके सील लगाती है, जो इन बॉडियों के सील नहीं लगी हुई। वो सील पोस्टमार्टम की जो बॉडी खोलते हैं डॉक्टर्स, जो टीम होती है उनके सामने खुलती है, ऐसी कोई सील नहीं लगी हुई थी। उस स्थिति में ये इन्वेस्टिगेशन का मामला हो जाता है कि वो जो लेटर मिला है उसमें क्या लिखा हुआ है, ये पुलिस जांच करे, उन बच्चियों की हैंडराइटिंग किसी और कॉपी से मिलाई जावे और वास्तविकता सच्चाई का पता लिया जावे। हम ये नहीं कह रहे कि बेगुनाह को सजा दो, हम ये कह रहे हैं जिसने गुनाह किया उसको सजा मिलनी चाहिए। मैडम, जो नाबालिग बच्चियां हैं और समय समय पर ऐसी कई घटनाएं होती है, जब महिला सुरक्षित नहीं है तो अन्य कैसे सुरक्षित महसूस करेंगे? देखिए, जो कांग्रेस सरकार बोल रही है कि महिला सशक्तिकरण का नारा दिया है, लड़की हूँ मैं लड़ सकती हूँ, वो टोटली फेलियर हो रहा है। लड़की हूँ मैं लड़ सकती हूँ, प्रियंका गांधी जी वहाँ दिल्ली में बैठ के बात कर रही है, यहाँ आप आइए गांव में। जो राजनीतिक दबाव के चक्कर में आके कई तो चुप भी हो जाती हैं और कई बच्चियों के साथ रेप वगैरह जैसे जघन्य होते हैं और गरीब इंसान उसका आवाज़ नहीं उठा पाता, तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस की विफलता है। कानून विफल है, सरकारी तंत्र विफल है, लेकिन इस मामले को राजनीति के तौर से ना जोड़ा जाए और अपन ऐसे होते हैं
कि ये जो मामला हुआ वो दुखद है। एक बच्ची की लाश मिलती है यहाँ पे 15 किलोमीटर दूसरी बच्ची की भी बॉडी मिलती है, वो दुखद होता है। ये राजनीति से नहीं जोड़ा जा रहा है, इसमें दुखद है। दोनों बच्चियों को वहाँ से नहर में फेंका गया था, पानी का बहाव था तो एक बह के आगे चली गई। इसमें राजनीति नहीं है, ये पे 36 कौम खड़ी है उन बेटियों को न्याय दिलाने के लिए। और हम यहाँ के जो कैबिनेट मंत्री जी है उनसे भी बोलते हैं, अशोक गहलोत सरकार से भी बोलते हैं, ये परिवार को न्याय मिले और जो हमारी मांगे हैं वो माने। बदमाश प्रवृत्ति के बहुत कम लोग होते हैं और पूरे सेक्टर को बदनाम कर देते हैं। जी ये सही है, बदमाश प्रवृत्ति के बहुत कम लोग होते हैं, पर उसमें एक पूरा क्षेत्र बदनाम हो जाता है, पूरी एक कौम बदनाम हो जाती है। बस उन लोगों के चक्कर में उनको ना पुलिस का भय रहता है, कहीं ना कहीं तो सरकारी तंत्र लाचार है इसलिए उनको भय नहीं है कानून का। तो हम लोगों का यही कहना है कि बेटियों को न्याय दे और कानून बेटियों को सुरक्षा दे। आज मैं भी बेटियों की माँ हूँ, मुझे भी भय रहता है अगर घर से बेटियाँ उठा के ले जा रहे हैं तो। किसी की बेटी सेफ नहीं है, आप रात में आ रहे हो घर से बेटी उठा के ले जा रहे हो, कल को इनके घर होगा, कल को इनके घर होगा, तो कहीं ना कहीं हमें स्टैंड लेना पड़ेगा ये चीज के लिए। लेकिन उस रिपोर्ट के अंदर भी ऐसा बताया गया कि हम घर के अंदर सो रहे हैं और बच्चियां बाहर सोती हैं, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा रिपोर्ट में बताया गया ये तो हो नहीं सकता है। जहाँ तक मेरे को पता है कि गाँव में महिलाएं अंदर सोती है और अगर वो नाबालिग बच्चियां हैं अपने पिता भाई के साथ बाहर आंगन में ही सो रही होती है, तो ये एक बात को मतलब घुमाने जैसा, ऐसा नहीं हो सकता। पूरा हाचोर क्षेत्र में महिला सुरक्षित नहीं आते खुद जोड़ो, क्योंकि हमने जो घटनाएं हो रही है और काले बच्चियों ने भी उठा घर मोती ले गया हुआ बारे में कम कहना चाहो। खूब मन दिखते आज दो सुबह ठीक हमारे 11 बजे बात हमड़ी थी, मने यू माई थी तो खूब खार आप आवे के कांग्रेस हाथोर में आवे हम रोज वे अन महिलाओं ने बारू निकलनो हारे नहीं है, अतरा आतंकवादी अतरो हाथर में है, अतरो कटे ही नहीं है, रोनी मैडम है हबड़ी भीनमाल में है कटे ही नहीं है, अरे हाथर में क्यों हुए भाई अने महिलाओं ने अतकी तकी बसियों ने आज मारी बेटी भी आते हागी बात है, तो आज अतरी अतरी नैन नैनी बसियों ने बाहर ही सूए गए कटे हुए भी भाई है बीजो है माँ है दादी है अब हूँ मारो आंगणे होती हूँ मेरे बेचारा बेड़ी के पोता बीजा सब पोती बीजा सब हुई तो पोता पाए भाई सुबह तो रात रात उठा भी ले गया आतंकवादी बना का मुंडा काला करे अन हासर में फेरता है अन फौसे लगाता है। हमने थे वो और बारे में कौन मांग रहा कि मैं तो मांग यो कहो के भाई मेट है अनन पूरो ने बू मैं तो नौकरी देनी सही जे ने बसियो नहीं अन घर रा परिवार नहीं अन पसा पसा लाख रुपया देना सही जे अन मुआवजो देनो पड़े अन अनी बसियो रे कोई गरीब घर है गरीब घर नहीं मारे पूरो पूरो हां पूरे मुख्यमंत्री से आपके काफी अच्छे संबंध है वसुंधरा राज सिंधिया जी से, आप उनके उनसे भी इस मामले से गुहार लगाएंगे क्या, इसके बारे में चर्चा करेंगे? हाँ चर्चा करांगा मारी वसुंधरा जी भैया तो मैं तो सुक्रम पाया बेणो ने के मैं को थारे अशोक जी ने बात करो अन पूरी बात करो जी उठिन गया बाबा उठिन गया थी निर्णय वीरो ना नी वे मीज कर हटे भैया मैं महिला बोलाऊ हमारी तहसील में आखा तहसील में महिला बोलाऊ जहां तक है मंत्री सब महिला बुलावे की नहीं महिला बुला मारे रोनी बेड़ा रह मिली है बात देवर सब है आना सब मारे कार्यकर्ता वाला था वही मैं सत्य जात अटे हम पीड़ी अने बसिया रे वास्ते मैं रात दे वास अटे रे बनती आ रहा साचोर सहतर से ये बहुत बड़ी खबर और दुखद खबर है। दो बालिकाओं का अपहरण कर नहर में डालना और हत्या कर देना जो मामला संदिग्ध है और उन बच्चियों के जेब से सुसाइड नोट मिला है वो भी जांच का विषय है। ओम प्रकाश चौधरी, इंडिया न्यूज, साचोर।